वे सुपर हीरो फैन, सुपर हीरो अपनी अच्छाई अपनी गुडनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वही सुपर हीरो जब ईवल बन जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपने बहुत ज़्यादा ब्रूटल वर्जन में आ जाते हैं। कई सुपर हीरो अपने ईवल वर्जन में अपने नॉर्मल फॉर्म से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। चाहे तुम टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन को देख लो जब वो बुली मैग्वायर बन जाता है, या अपनी वांडा को देख लो जब वो स्कारलेट बन जाती है। वो दोनों अपने पीक पॉइंट पर चले गए थे सुपर पावर्स के। तो आज हम बात करने वाले टॉप 10 ईवल वर्जन ऑफ सुपर हीरो। इनमें से देखने वाले कि कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल ईवल वर्जन है अपने सुपर हीरो का। तो नंबर 10, सीक्रेट एम्पायर कैप्टन अमेरिका। ये ईवल वर्जन है अपने कैप्टन अमेरिका का। इस रियलिटी के अंदर जो अपना कैप्टन है वो शील्ड को छोड़ के हाइड्रा का साथ देता है। तो बेसिकली इस रियलिटी के अंदर अपना जो कैप्टन अमेरिका होता है वो सीक्रेटली अपने हाइड्रा का साथ दे रहा होता है। और इसके पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम जब अपने रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई हो रही होती है तो रेड स्कल एक कॉस्मिक क्यूब का यूज़ करके उस पूरी रियलिटी को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा ईवन बन जाता है और वो अब हाइड्रा का साथ देने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे शील्ड की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का है उसको पूरे को तबाह कर देता है। और जो शील्ड एलिगेटर का जो पार्ट होता है उसको हाइड्रा का बेस बना देता है, जिससे वो हाइड्रा का मेन हेड बन जाता है। नंबर 9, मेस्ट्रो। मेस्ट्रो बेसिकली हल्क का ईवल वर्जन है। इस यूनिवर्स के अंदर जो अपना हल्क है वो ईवल बन जाता है और वो पूरे अर्थ पे राज करने लग जाता है। तो ये हल्क का वर्जन है वो अर्थ 1900 से बिलोंग करता है। इस रियलिटी के अंदर अर्थ पर एक बहुत बड़ी वॉर छिट जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसके दौरान काफ़ी सारे सुपर हीरो मर जाते हैं। लेकिन उसी के दौरान अपना जो हल्क है वो बन जाता है और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्योरली ईवल करेक्टर बन जाता है, जिसे वो अपनी पावर का यूज करके पूरे अर्थ पर रूल करता है। इस हल्क के पास की बैरर की इंटेलिजेंस प्लस हल्क की पावर है, जिससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और इसने अपने वर्ल्ड के अंदर सभी सुपर हीरो को मार दिया था। नंबर 8, द मेकर। द मेकर एक बेसिकली अपने रील रिचर्ड्स मतलब फैंटास्टिक फोर का ईवल वर्जन है। इस यूनिवर्स के अंदर जो अपना रील रिचर्ड्स होता है उसकी फैमिली को डॉक्टर डूम मार देता है, जिसकी वजह से जो अपना रील रिचर्ड्स होता है वो पूरा के पूरा ईवल हो जाता है, जिसकी वजह से उस यूनिवर्स के अंदर वो डॉक्टर डूम को तो मारता ही मारता है लेकिन उससे उसका मन नहीं भरता है, जिसकी वजह से वो बुराई का साथ देने लग जाता है, ईवल बन जाता है। तो ये जो करेक्टर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल था सीक्रेट वॉर की टाइमलाइन के दौरान अपने मेन यूनिवर्स के रील रिचर्ड्स को भी मारने की कोशिश करता है, उसको रेत में बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें पता है कि रील रिचर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट करेक्टर में माना जाता है, लेकिन रील रिचर्ड्स होता है ये ब्रूटल भी होता है और ईवल भी होता है और इंटेलिजेंट भी होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन करता है कि वहाँ के जितने भी सुपर हीरो होते हैं उसके यूनिवर्स के उनको तबाह कर देता है। नंबर 7, ईवल डेडपूल। डेडपूल जितना सनकी है उतना ही ज़्यादा सनकी और ईवल इसका ये ईवल वर्जन है। तो हमने मूवीज़ और कॉमिक्स में देखा कि जो अपने डेडपूल की जो कटे हुए पार्ट होते हैं वो वापस से हील हो जाते हैं, लेकिन इस कॉमिक की टाइमलाइन के दौरान जो अपनी डेडपूल के पार्ट्स होते हैं वो कट के जब अलग हो जाते हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको अपने आप को ढूंढते हैं और एक जॉइंट होकर एक ईवल डेडपूल बन जाते हैं। ये जो डेडपूल का ईवल वर्जन है ये इतना ज़्यादा पागल है और इतना ज़्यादा चूतिया है कि वो ये पूरे टाइम डेडपूल को मारने की कोशिश करता है। जहाँ पे हमने डेडपूल को एक फनीएस्ट वे में देखते हैं, ये जो वर्जन है डेडपूल का ये बिल्कुल फनी नहीं है। और इसके पास डेडपूल की सारी पावर्स हैं, हीलिंग फैक्टर भी और फाइटिंग स्किल्स की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईवल बन जाता है। नंबर 6, सुपीरियर आयरन मैन। सुपीरियर आयरन मैन बिलोंग कर अर्थ 838, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इसका अपीयरेंस होने वाला था लेकिन मार्वल ने उसको इग्नोर करके इसको किसी बड़े इवेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद से अपने कैंटन ऐसी सीक्रेट हो सकती है, जिसके अंदर हम इसको कंफर्म नहीं देख सकते हैं। ये जो आयरन मैन का वर्जन है ये प्योरली ईवल वर्जन है। इस रियलिटी के अंदर जो अपना आयरन मैन है वो स्नैप के से सर्वाइव कर जाता है और उसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा ईवल बन जाता है और वो एक ऐप बनाता है जिसकी वजह से जो वहाँ की अर्थ के जितने भी पीपल्स होते हैं उससे एडिक्ट हो जाते हैं, जिसके यूज़ करके वो सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाता है और उस ऐप को यूज़ करने के लिए उनसे सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। जो ये ईवल आयरन मैन होता है इसके पास एक सिम्बायोटिक आर्मर होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी नैनोटेक टेक्नोलॉजी को भी सरपास कर गई थी। इसका जो आर्मर होता है ये कुछ ही मिनट्स के अंदर हल्क बस्टर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा आर्मर बन जाता है और इसके अंदर 3 इन्फिनिटी स्टोन भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों इन्फिनिटी स्टोन की पावर को यूज़ कर सकता है।
नंबर 5 गोस्ट स्पाइडरमैन। ये जो स्पाइडरमैन है ये बिलोंग करता है अर्थ 1638 के यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स के अंदर जो अपना स्पाइडरमैन होता है उसको स्पाइडरमैन की पावर मिल जाती है, लेकिन वो अच्छा की जगह बुरा बन जाता है। कि इस यूनिवर्स के अंदर जो अपने पेन पार्कर होते हैं वो मरते नहीं है, मतलब अपने स्पाइडरमैन के जो अंकल है वो मरते नहीं है, जिसकी वजह से उसको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती अच्छा बनने की, जिसकी वजह से ये प्योरली इविल करेक्टर बन जाता है। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने चाहता था कि वो ये बेसिकली दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडरमैन को बुला बुला के उनकी पावर छीन लेता था। इसी के दौरान जब वो 616 के अर्थ के स्पाइडरमैन की पावर छीन रहा होता है तो उससे पता नहीं कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से जिस मशीन से वो पावर छीन रहा होता है वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्पाइडरमैन मर जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद गोस्ट राइडर की पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से ये गोस्ट स्पाइडरमैन बन जाता है। और ये स्पाइडरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये लिटरली कॉस्मिक स्पाइडरमैन को टक्कर दे सकता है। नंबर 4 रैग्नारोक। रैग्नारोक बेसिकली इवल वर्जन है अपने थॉर का। एक रियलिटी के अंदर जो अपने आयरन मैन और रिजर्स मिलकर अपने एक थॉर का क्लोन बनाते हैं, जिसका नाम होता है रैग्नारोक। ये बेसिकली अपने थॉर के एक बाल से बना होता है, जिसकी वजह से इसके पास थॉर की जितनी भी पावर होती है वो सब आ जाती है। और इसके पास भी एक म्यूनिट जैसे कि हथौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक स्ट्राइक कर सकता है। और ये वर्जन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लिटरली एवेंजर के खिलाफ ही चला जाता है और पूरे एवेंजर्स को हरा देता है। लेकिन आखिरी में आकर जो अपना हरकुलस होता है इसको हराता है और उसको तोड़ देता है। नंबर 3 हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। हमें पता है इसकी स्कारलेट विच और मोस्ट पावरफुल करेक्टर मानी जाती है एमसीयू के अंदर, लेकिन ये जो स्कारलेट विच है ये अपने स्कारलेट विच से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। बेसिकली एक टाइमलाइन के दौरान जब अपनी स्कारलेट विच दो बच्चों को जन्म देती है तो उस चीज़ से नाराज होकर जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो स्कारलेट विच को समझाने जाते हैं कि ये जिस बच्चे हैं ये बहकावा है, कोई रियल नहीं है। और जो अपने प्रोफेसर एक्स होती है वो स्कारलेट विच को ये समझाती है कि ये तुम्हारे छलावा है और कुछ नहीं है। इस चीज़ को देखकर जो स्कारलेट विच है वो बहुत जल्दी डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को बहुत तेज कसके पकड़ती है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। इस चीज़ के गुस्से में अपने स्कारलेट विच बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पीक लेवल पावर पर चली जाती है और वो कुछ ही वर्ड्स के अंदर पूरे न्यूटन्स को तबाह कर देती है। बस ये बोलती है अब कोई और नहीं रहेगा न्यूटेंट। यही चीज़ बोलने की वजह से पूरे जो न्यूटन्स होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। ये स्कारलेट विच इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, टाइम को रिवर्स कर सकती है। और ये जो स्कारलेट विच है ये सबसे ज़्यादा ईविल करेक्टर में मानी जाती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। नंबर 2 अल्ट्राविजन। अल्ट्राविजन को हमने व्हाट इफ सीरीज के अंदर देखा। ये करेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने लगभग यूनिवर्स के एल लगा दिए थे। इसने इतनी अच्छी टक्कर दी थी अपने वॉचर को, लिटरली एक टाइम वॉचर भी समझ रहा था कि अब क्या करूँ। ये जो वर्जन होता है विजन का, इसके पास अपने अल्ट्रॉन का कंट्रोल आ जाता है, मतलब इसके जो AI होता है इसके अंदर वो अल्ट्रॉन ही होता है, जिसकी वजह से वो अपने थैनोस तक को हरा देता है और वो ले लेता है उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन, जिससे वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पूरे यूनिवर्सल लेवल को तबाह करने की कोशिश करता है। नंबर 1 सुप्रीम स्ट्रेंज। सुप्रीम स्ट्रेंज अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे ज़्यादा ईविल वर्जन है। इसको हमने व्हाट इफ सीरीज में भी देखा। ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और इतना ज़्यादा ईविल होता है कि कुछ ही स्पेल्स के अंदर अपने यूनिवर्स तक को तबाह कर देता है। और इसके पास सभी डीमंस की पावर होती है, लिटरली इतने ज़्यादा डीमंस को अब्सॉर्ब कर लेता है कि खुद ही एक डीमन बन जाता है। और ये इसके पास काफ़ी सारे स्पेल्स की पावर है, जिसकी वजह से इसको टक्कर देने में बहुत मुश्किल पड़ रहा था अपने कैप्टन कार्टर को भी और अपनी मकारी को भी, जिसकी वजह से इसको हराना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। तो दैट्स ऑल इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आपको इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल करेक्टर कौन सा लगा।